हरियाणा में कांग्रेस की झूठी गारंटियों से कांग्रेस का खेल खत्म हुआ। रोजगार से लेकर किसानों के हित तक सभी मुद्दों पर घिर गई कांग्रेस। बीजेपी के संकल्प पत्र को देख क्या हरियाणा की जनता बीजेपी पर लगाएगी मुहर? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हरियाणा में सभी मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी घिर गई है। होने वाले विधानसभा चुनाव और इस कम समय में बीजेपी ने जो अपने संकल्प पत्र को लॉन्च किया है, अपने संकल्प पत्र में जो घोषणाओं का पिटारा खोला है, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, वंदे भारत ट्रेन देने की बात करें, मेट्रोज बनाने की बात करें, हरियाणा में हर कुछ बीजेपी ने अपने वादों को निभाया है और कहा है कि जो नहीं बोला था वो भी किया है और जो बोल गए थे वो हमने आपको समय से पहले करके दे दिया है। बता दें आपको, राहुल गांधी खूब घिर गए हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता आज उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने जो 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की थी हिमाचल में, अरे बिजली फ्री तो छोड़िए, जिन्होंने बिजली के पैसे भरे उन्हें बिजली नहीं मिल रही है। 1,00,000 नौकरी देने की बात की दर्शकों, और महिलाओं को 1,500 रुपए देने की बात की, और यहाँ तक कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तर्ज पर ही तो इनकी सरकार बनी। लेकिन ओल्ड एज पेंशन छोड़िए, पुराने ओपीएस के मुद्दे को छोड़िए, बता दें आप, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हिमाचल में कांग्रेस ऐसे गिरी कि पेंशन तो छोड़िए, जो नौकरी में लोग हैं ना उन्हें भी नौकरी देने में यहाँ कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, उन्हें पैसे देने में, उनकी सैलरियां देने पर समय से। यही वजह है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के झूठों का पिटारा खुल गया। बता दें आपको, कांग्रेस ने हिमाचल में यह भी वादा किया था कि हम 1,500 रुपए महिलाओं के खाते में देंगे। महिलाओं के खाते में तो छोड़िए, जो सरकारी नौकरियों में है ना उन्हें भी सैलरी देने के लिए कांग्रेस के पास फंड नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी हरियाणा में इन बातों को गिनवा रही है कि हिमाचल में इनकी सरकार को देखिए, अगर हिमाचल में इनकी सरकार है उसके बावजूद भी ये सैलरियां नहीं दे पा रहे हैं तो ये कैसे हरियाणा में अपनी गारंटियों को पूरा करेंगे। और यही वजह है कि हुड्डा खूब गिर रहे हैं, कुमारी शैलजा खूब गिर रही हैं, कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खूब गिर रहे हैं। और इसी वजह से बीजेपी हरियाणा में इस बार कह रही है कि हम वापस से अपनी सरकार बनाएंगे। नायब सिंह सैनी लोगों के दिलों में अब छा रहे हैं। और आपको बता दें, जेपी नड्डा हरियाणा पहुंचे, बीजेपी के संकल्प पत्र को उन्होंने खूब विस्तार से बताया और संकल्प पत्र में साफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरा है। दर्शकों, आपको मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगी कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ऐसी क्या वादे कर दिए हैं कि वहां की जनता इस बार कह रही है कि वोट हम बीजेपी को देंगे। और देखिए, बीते दिन कांग्रेस के झूठ की गारंटियां खुली थी, कैसे हुड्डा युवाओं को बुलाते हैं बात करने के लिए, लेकिन जब युवा कहते हैं कहां है 25,000 नौकरियां, कहां है नौकरियां, आपने लाखों लाख नौकरी देने की बात की, तो हुड्डा कहते हैं मेरा बेटा लड़ रहा है। यहाँ पर बातचीत करें तो यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार कह रहे हैं कि हमें सरकार हम बनाएंगे तो पहले रिश्तेदारों के घर भरेंगे और अपने घर भरेंगे। ये क्या बोल रही है कांग्रेस? यहाँ बता दे आपको, कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया फरीदाबाद में कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो नौकरियां देंगी मेरे खाते में है कि मैं इतनी नौकरियां आपको दे पाऊंगा हरियाणा में, तो जिस गाँव से ज्यादा वोट मिलेंगे उस गांव के लोगों को ज्यादा नौकरी देंगे, यानी प्रतिभाशाली युवाओं को आप ढकेल देंगे और आप वोट के चलते कांग्रेस यहां हरियाणा में युवाओं की प्रतिभा को दबाएगी और जो मान लीजिए युवा लायक नहीं है उन्हें नौकरियां देंगी। और इसी वजह से कहा कि रिश्तेदारों के घर भरेंगे, अपने घर भरेंगे। आपको आइए अब बताती हूँ कि संकल्प पत्र में ऐसा क्या है कि जनता झूम उठी और कह रही है बीजेपी पर मुहर लगाएंगे। आखिर क्यों दीपेंद्र हुड्डा से बात करने के लिए वहां के युवा दिल्ली कूच करेंगे? आखिर क्यों भूपेंद्र हुड्डा युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं? और आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के अंतरकला के कारण बड़े बड़े दिग्गज नेता जो इनके छोड़ के जा रहे हैं हरियाणा में, इससे बहुत दिक्कत कांग्रेस को हो गई है और यही वजह है कि बीजेपी ने लिखा है खत्म चाचा बाय बाय। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा में किस तरीके से यहाँ नौकरियों का पिटारा संकल्प पत्र के माध्यम से खोला, महिलाओं की बात की,
युवाओं की बात की, महिलाओं को स्कूटर तक देने की बात की, यहां तक कि किसानों के लिए जो क्रॉप कंपनसेशन है कैसे उसको 3 गुना बढ़ाया गया, यहां तक कि अग्निवीर योजना में जो युवा हैं उनको सरकारी नौकरियां देने की गारंटी की बात की, खजर पलवल में यहां अन्य सुविधाओं से लैस बातचीत करें आधुनिकता से उसकी बात की, वंदे भारत ट्रेन की बात की, मेट्रोस की बात की, किस तरीके से उन्होंने अपने विस्तार को रखा और साफ कह दिया बीजेपी जो नहीं बोलती है वो करती है और जो बोल गई है उसको समय से पहले कर लेती है। आपको बता दें यहाँ पे साफ अंतर है दर्शकों, बीजेपी ने साफ कह दिया है इस बार हरियाणा में कि कैसे 10 साल के पहले कांग्रेस पार्टी खर्ची और पर्ची से जानी जाती थी, लेकिन आज अब खर्ची और पर्ची से सरकार नहीं जानी जाएगी। 10 साल पहले कांग्रेस ने रिवायत चलाई थी, लोगों की नजरों में डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट पेश करती थी, उन्हें संकल्प पत्र से कोई मतलब नहीं था, उनके लिए डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता थी। यहां तक कि उन्होंने कहा खर्ची पर्ची से कांग्रेस ने छलावा किया, नौकरियों के चलते सत्ता में बैठे लोगों को खूब तकलीफें हुई और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी जमकर घिर गई। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार अब यहां भरोसा जो उन्होंने जनता को दिया इसकी वजह से जनता इस बार मुहर लगाने वाली है, जो कहा था वो कर दिया है। 2014 में बातचीत करें कैपिटा इनकम 1,37,000 की थी, आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3 लाख से ज्यादा हो गई है। एक्सपोर्ट हरियाणा में 3 गुने से ज्यादा बढ़ा, हर जिले में यहां पर मेडिकल की सुविधाएं केवल 7 अब 15 हो गई हैं। यहां बातचीत करें कॉलेजेस ट्रिपल हो गए हैं, 2,185 कॉलेज हो गए हैं जो कि ट्रिपल सीधे आंकड़ों में है। बातचीत करें हरियाणा के अब 5800 गांव में बिजली पहुंच रही है, क्रॉप कंपनसेशन कांग्रेस ने केवल 1158 दिया लेकिन बीजेपी ने इसको 12,000 बढ़ाया, यह है क्रॉप कंपनसेशन, किसानों के लिए बड़ा फायदा बीजेपी का। इसके साथ उन्होंने कहा कंपनसेशन को हमने 2.5 लाख तक बढ़ाया है, यही वजह है कि इस बार किसान कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेंगे। बता दें आपको उन्होंने ओल्ड एज पेंशन की बात की, अब 3,000 हो गए हैं जो कि पहले गत वर्ष 1,000 थी कांग्रेस की जब सत्ता थी तब। इसी के साथ ही एमएसपी की गारंटी 24 फसलों पर, विवाह शगुन योजना के तहत यहाँ 1.8 लाख तक एनुअल इनकम को बढ़ाया गया है, ये महिलाओं के लिए बीजेपी का पिटारा है। टैक्स डिवोल्यूशन 76,000 करोड़, हर घर नल। इसके साथ उन्होंने अपने रास्तों को बताया कि कैसे मैं अपने घर से निकला और केवल 2 घंटे में हरियाणा पहुंच गया और यही वजह है कि आज एक्सप्रेसवे का जादू चल रहा है और हमने जितने भी एक्सप्रेसवे बनाए हैं उसका काम शानदार तरीके से चल रहा है। मेट्रो गुड़गांव में उसके लिए भी हमने यहाँ पर केंद्र सरकार ने जारी फंड किया है और इसके साथ ही दिल्ली से लेकर अमृतसर जो एक्सप्रेसवे हैं उनका विस्तार आप देख रहे हैं। सरकारी नौकरियां 2 लाख देंगे, 5 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार देंगे और इसके साथ 5 लाख आवास शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों को देंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मुफ्त होगा, महिलाओं को स्कूटी, सरकारी नौकरी अग्निवीरों को, वंदे भारत पलवल और झज्जर में चलाएंगे। ये रही बीजेपी के संकल्प यात्रा में की गई घोषणाएं और आपने देखा हुड्डा राहुल खूब घिरे फर्जी गारंटियों से, हिमाचल में इनके पास पैसे तक नहीं है, यहाँ पर हिमाचल में सुक्खू पैसे तक नहीं ले रहे हैं, सैलरियां नहीं ले रहे हैं, ये आम जनता को क्या देंगे, ये आम जनता को केवल झूठे खोखले दावे देंगे और उनके पास कुछ नहीं है। तो ये देखिए पूरे कांग्रेस की विस्तार थी, कैसे कांग्रेस ने खूब लूटा हिमाचल में और हरियाणा में भी लूट मचाने को कांग्रेस तैयार बैठी, ऐसा बीजेपी का दावा है। आपकी क्या राय आप कॉमेंट के जरिए हमें बताइए, शुक्रिया।